अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं सुबह के 7 बजे उठ गया हूँ और हम अपने आज के दिन की स्टार्टिंग करते हैं। अब और हमारा सारा दिन कैसा गुजरेगा हम आपको दिखाएंगे। अभी मैंने अपना न्यू चैनल खोला है, मलिक काशल व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आप हमारे यहाँ पे चाय बन रही है, चाय दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। तो भी यहाँ पे वकार भाई बॉलर बने हुए हैं और सुल्तान बना हुआ है बैट्समैन। देखते हैं क्या होता है। वाह भाई क्या बात है, वकार भाई ने सुल्तान को पहले बॉल में भी आउट कर दिया, वाह। अरे भाई छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, खेलने दो बच्चा है। तो भी वकार भाई फिर से बॉल दिला रहे हैं और सुल्तान फिर से आउट हो गया, वाह। हट जा सुल्तान, वहां भर जा। अभी मुस्तफा की है, मुस्तफा की, मुस्तफा, अभी मुस्तफा बैटिंग करेंगे। तो अब ये देख सकते हैं आप, ये कैसा मौसम बना हुआ है, सारे काले के काले बादल ऊपर छाए हुए हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरती है इधर, बहुत अच्छा व्यू यहाँ का है। पप्पी है वो, आयत को चाहिए चीज और हम जा रहे हैं दुकान पे आयत को चीज लेने। आयत ने चाय उठाई, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ हाँ चल रहे हैं, चल रहे हैं दुकान पे, चल रहे हैं चलो। तो आयत ने अपनी चीज उठा ली है। आयत क्या हुआ आयत? तो अभी आयत आई हुई है हमारे घर। आयत डोगी, वो आयत क्या कर रही हो? नो नो, चाचू काशिफ किधर जा रहे हैं? मैं भी चलूं साथ? नहीं नहीं हम काम से जा रहे हैं, कुछ किया दुकान का सामान लेने। क्यों, मुझे क्यों नहीं जा सकता? मैं सामान उठा लूंगा पीछे। मेरा काम नहीं है, मैं पूरे 2-3 कार्टन लेके आया हूं, तेरा काम का है। तो आप उठाएंगे कैसे? बाइक तो आप चला रहे होंगे। पीछे सुहेल होगा ना, तो पीछे मैं बैठ जाऊंगा ना, भाई तू ऐसे गिर जाएगा। ये इनका लॉजिक कुछ और ही। और माशाल्लाह चाचू काशिफ के पास बहुत ज़्यादा जानवर हैं और अभी इनकी जानवरों की ब्रीडिंग होती रहती है। और अभी चाचू काशिफ फिर से करेंगे, पहले बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, दो ये रहे, दो वो रहे और पता नहीं और किधर है। और ये रहे इनके पास गाय है, ये गाय मेरी जारी दुश्मन है क्योंकि मैं जब भी इसके पास गुजरता हूँ क्या करती है, सर घुमाती है अपना ऐसे करके। और वो इनका बेटा और ये उनका सबसे छोटा बेटा। और ये जो है चाचू काशिफ की है घास, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उग गई है और अभी भी नहीं काटेंगे। और एक और चीज़ दिखाऊं, चाचू काशिफ का कुत्ता, ये मेरा फेवरेट कुत्ता है, ये मुझे कुछ भी नहीं कहता। देखो मैं इसके पास भी जा सकता हूँ। ये देखो मुस्तफ़ा फिर से जा रहा है, मेरे अब्बू को बोल रहा है मुझे शायद साथ ले। तो अब हम जा रहे हैं शहर क्योंकि हमारे दुकान की चीज़ें सारी ख़त्म हो गया है। और मैं और मेरे अब्बू जा रहे हैं शहर, और शहर शहर जाके दिखाएंगे आपको शहर का क्या हालात है। देखिए ये सारा का सारा रास्ता ख़राब हुआ हुआ है, सारी सड़क ख़राब है यहाँ पे, यहाँ पे मोटरसाइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। अभी हम आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं कि बारिश ऊपर से आना शुरू हो गई है। अभी पता नहीं हम घर कैसे पहुँच गए, पर अभी तो हम आधे रास्ते में शहर जाएंगे, वहीं पर कहीं पर स्टे करेंगे, फिर वहाँ से जब बारिश रुकेगी तब घर आएंगे। अभी हम इंतजार है, अगर रात तक चली तो फिर घर कैसे आएंगे, अल्लाह करे कि जल्दी ही रुक जाए। तो अभी हम शहर पहुंच गए हैं, दुकान पे जहाँ से हम सामान लेते हैं तो सामान लेंगे और घर चलेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है, बारिश है ना, अभी सड़क बन रही है, अभी ये सड़क बना रहे हैं, यहाँ पर सारी की सारी टूट गई है। देखिए तो मैं अभी यहाँ से सामान ले रहा हूँ, चीनी वगैरह, माचिस, पत्ती और मेरे वो चीज ले रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ से चीज़ ले रही है, ले ली है, ये भाई हमें चीज़ पैक करके दे रहे हैं। अभी चीज़ ले लिया है और आगे जाएंगे और बोतलें लेंगे, फिर बोतलें लेके कुछ बोतलें लेके घर जाएंगे। अभी हम आए थे यहाँ से बोतलें लेने पर, ये देखें ज़्यादा बारिश की वजह से इनकी छत गिर गई है, तो ये कह रहे हैं अभी बोतलें नहीं है, कहीं और तो जाके लिए। अभी हम जाते हैं कहीं और दुकान से ले आते हैं बोतलें, बहुत अफसोस हुआ गए थी। तो अभी हमने दुकान की चीज घर के सामान ले लिया है और अभी हम घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अल्लाह करे कि बारिश ना हो क्योंकि मौसम तो बहुत ऊपर ख़राब बना हुआ है, अल्लाह करे हम सही सलामत घर पहुंच जाए। ये देखिए मौसम कितना ख़राब बना हुआ है, बस बारिश ना हो। यहाँ पे देखिए बच्चों ने कैसे खेलने की अपनी जगह बना रखी है, ये यहाँ से इन्होंने स्लाइड बनाई है और यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ।
मजे से अब खेल रहे हैं और पानी में जा रहे हैं। तो अब हम अपनी बस्ती की सड़क पे आ गए हैं जो कि बहुत ही खराब है। उस वक्त मैंने आपको दिखाई थी, बहुत ही ज्यादा कीचड़ है। यहाँ से मोटरसाइकिल को बहुत संभाल के चलाना पड़ता है, इतनी कीचड़ है, बहुत ही पतला रास्ता है। ये देखिए इतने पतले रास्ते थे। अब हम शुक्र अल्लाह का सही सलामत घर पहुँच गए हैं। और ये देखिए ये सामान हमारा पड़ा दुकान का, और ये हमारी दुकान है छोटी सी, और मैं आपको अपना घर भी दिखाता हूँ। और ये देखें ये सामने वकार भाई आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कहीं चलते हैं, शायद अभी हम चले। अभी ये देखिए अब्बू और अंकल सारे एक साथ बैठे हैं, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, बोल रहे हैं चाय दो। ये इनके भांजे हैं, ये जो ठहरे हैं मेरे अब्बू के भांजे हैं। अभी जो है मैं और सुहेल जा रहे हैं गंदम लेके, ये एक मन का बोझ है और हम जाएंगे इसका आटा बनवाने, और आटा बनवा के वापस आएंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे दुआएं करें क्योंकि रास्ते जो है ना आपके बहुत कीचड़ हो रही रास्तों में, तो हम सही सलामत वापस आ जाएं। अभी हम चक्की पे पहुँच गए और यहाँ पे आटा दे दिया। अभी ये हमारा आटा बोल रहे काल मिलेगा, इसलिए अभी यहाँ पर आटा रख दिया है और नाम भी लिख दिया है। ये देखें ये नाम लिखा है मलिक काशिफ, और सुबह आएंगे और ले जाएंगे। मैं अभी शहर पर आया हूँ, और क्या कहते हैं अभी दादा ने चक्की पे डाल दिया, पता नहीं कार में मेरी कार गया है। वो कार भाई कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कजन के जो है वो नदीम भाई के तरबूज के खेतों में, वहाँ जाके हम जो है वो तरबूज भी खाएंगे, और मुस्तफ़ा ने वो खेत भी देखने, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वो क्या कहते हैं मुस्तफ़ा कश्मीर से आए थे, तब है ना यही था ना, तो मुस्तफ़ा कश्मीर में थे। और अब मुस्तफ़ा को यही बोला, अब हम जा रहे हैं तरबूजों के खेतों में, और आज आपको तरबूजों के खेत भी दिखाऊंगा। वो जो इनके कजन है वो मेरे खालू है, वो मेरे खालू के खेत है के पास पहुँच चुके हैं। पर घर में जाने के लिए देखे कितना गंदा रास्ता है, इतना छोटा रास्ता है, बहुत ही खतरनाक है। पहले मुझे भाई ने अवैस पर बिठा लिया, मैं वीडियो नहीं शूट की, पर अवैस ने कहा मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा, इसलिए मैं अभी फिर से भाई के पास आ गया हूँ। मुझे अवैस पर यकीन नहीं है ना वो चला पाएगा कि नहीं, अकेला है इसलिए अच्छे से चला रहा है। आगे रास्ता और भी पतला हो गया, इसलिए अवैस ने बोला है कि अब मेरी बाइक तुम चलाओ, तुम आगे जाओ, इसलिए अभी मैं अवैस की बाइक चला रहा हूँ। सुहेल मेरी बाइक ले चुका है, और अभी ये जा रहा है इस पतले से रास्ते पर, और मुस्तफ़ा ये खड़ा हुआ टूवेल को देख रहे, कह रहे कब से कहते हैं मुझे नहाने। तो आज इसको टूवेल मिल तो गया, पर ये है बंद, ये देखो बेचारा। क्या बीत रही है आपके ऊपर? तो कहते हैं जो पानी पड़ा उसमें नहाने, अस्तगफिरुल्लाह, गंदे पानी में। और ना वकार भाई ने यहाँ से बाइक गुजारी और मुस्तफ़ा का पाँव नीचे चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये देखो इतनी पतली सी साइड से, और ये ना कभी भी टूट सकती थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं तरबूज के खेतों में, और देखिए मौसम कितना खूबसूरत बना है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश आने का भी खतरा है। ये देखें कितना बड़ा तरबूजों का खेत है, और ये लगे भी हुए हैं तरबूज, ये देखें कितने बड़े बड़े। अभी हम चलते हैं कोई पक्का तोड़ते हैं, और अवैस से पूछे अवैस क्या कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अभी हम आ तो गए, तो दो चार तरबूज तोड़ के मीठे मीठे थे, मजे से खाएंगे, आपको भी शेयर करेंगे कि अच्छे हैं या नहीं है। तो अगर आप खाना चाहो कमेंट में बताना, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, आपको बता देंगे कहाँ पर हमारा गांव है। तो ये रहा इसका खेत, तरबूज का खेत, और उम्मीद करता हूँ इधर हमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे और स्वीट तरबूज मिलेंगे, क्योंकि लोग कह रहे थे ऐसे ही नहीं तोड़ना, चेक करना होता कि कैसा खराब है कि ठीक है। तो अभी हमारे साथ जाता रहे कुछ लोग जिनको अंदाजा होता है कि ठीक है कि नहीं, तो चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम खेत के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए हमने चप्पल उतार रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर सिलती जगह है, इसलिए सेफ्टी के लिए हमने अपने जूते उतार लिए। ये देखिए मुस्तफा के पास तरबूज चेक है, मुस्तफा को बहुत ज्यादा तरबूज तोड़ने की खुशी है। मुस्तफा ये देखिए ये सब अपने तरबूज लेके अभी जा रहे हैं वापस। आपको एक बात बताऊं? बोलो। ये लाल भी है और माल भी है। अच्छा आपको कैसे पता, अपने अंदर से देख लिया? देख लिया। वाह भाई देखिए ये जीनियस बंदे हैं जो खाने से पहले चेक करते हैं कैसे है। आप अगर खाए तो फिर अच्छा लगे, टेस्ट है वो ना, पैसे खरीदो और खाए मजा ही ना। पर ये तो हम फ्री में लेके जा रहे हैं, ये सुहेल का
सोहेल का कजन या फिर वकार भाई का कजन है? वकार मामू के कजन है और मेरे खालू हैं। और आपके खालू हैं, उनने हमें दिया फ्री में तीन दिए और एक तो देखते हैं यहाँ पे खाते हैं, देखते कैसे, और बाकी दो घर पे जाके देखेंगे। ठीक है, ये देखे इनको इतनी जल्दी है कि हमको पीछे छोड़ कर चले गए, हमको बुलाया तक भी नहीं। कैसे हवस? ये देखें उन्होंने अपनी जोड़ी बनाई हुई है, तो फिर अब हम, मैं और अवैध फिर जोड़ी है, और एक ये भी है हमारे साथ। तो भी ये भाई हमें यहाँ पे तरबूज काट के दे रहे हैं, तो ये हमें काट के देंगे और हम यहीं पे बैठ के खाएंगे और टेस्ट करेंगे कैसा है। अरे वाह, कितना लाल तरबूज है। देखिए अगर आपको भी चाहिए लाल लाल तरबूज तो आप यहीं पे आ जाइए। तो भाई आप इनके काटने का स्टाइल चेक करें, कितना जल्दी जल्दी काट रहे हैं। अगर हम होते तो अभी आधा घंटा लगा दिया होता, और कितनी गंदी तरह काटते, देखें कितना साफ साफ काट रहे हैं भाई। तो अभी हम टेस्ट करते हैं कि तरबूज कैसा है। बहुत मीठा है तरबूज और बहुत अच्छा है। आपको खाना होते इधर आ जाना। तो अब बहुत रात हो चुकी है और मुस्तफ़ा, मैं और ओवैस घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। देख भाई आप चलो, बाइक ओवैस नहीं ले पाएगा। अच्छा ओवैस को आने तो दो, देखते हैं, अगर देगा तो चला लूँगा, निकाल लूँगा, अगर नहीं देगा फिर खुद चला के आ जाएगा। जल्दी आ जाओ ओवैस। देखिए इसी रास्ते पे बाइक चलाना कितना मुश्किल है, यह आपको मालूम ही होगा, और यहाँ से निकालना तो खास तौर पे। अवैस राइडर बन गया, निकाल लिया इस जगह से अवैस ने बाइक को। हम आए हैं अपना आटा लेने, जो हम दाने देख गए थे वो अभी आटा बन चुका है। तो अभी ये भाई तोल के हमें दे रहे हैं, इसका वजन है 44 किलो। तो मैं अभी अपने घर पहुंच गया हूँ, मेरे घर का दरवाजा बंद है, लगता है सब आंटी सतारा वालों के घर है, मैं भी वहीं जाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।